वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे कोरोना से जुड़े ताजा आंकड़ों के साथ। कुल मामले 67,000 के पार पहुंच गए हैं। देश भर में कोरोना के कुल मामले 67,152 हो गए हैं। कोरोना से देश में अब तक 2,206 लोगों की जान गई है। वहीं 20,917 मरीज कोरोना के इलाज के बाद ठीक हुए। 67,152 ये ताजा आंकड़ा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किया हुआ। देश में कोरोना के एक्टिव केस 44,029 मामले, जबकि मरने वाले लोगों की संख्या 2,206 हो गई है। और इस लॉकडाउन के बीच एक अच्छी खबर आपको ये बता दें कि दिल्ली से देश के 15 शहरों के लिए कल से स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि सभी ट्रेनें नहीं चलेंगी, बल्कि दिल्ली से 5 चुनिंदा शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें ही चलाई जाएंगी और टिकट की बुकिंग आज शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी। हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोगिया लोहिवाल हमारे संवाददाता कोलकाता से हमारे साथ हैं, मंजीत सहगल चंडीगढ़ से हैं, संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ दिल्ली से, वहीं गोपी घांगर अहमदाबाद से। लेकिन सबसे पहले संजय आपका रुख करते हुए, क्योंकि दिल्ली से ही 15 ट्रेनों की शुरुआत हो रही है, कौन सी है 15 ट्रेनें, किन किन जगहों पर जाएंगी और टिकट की बुकिंग जब एक बार शुरू हो जाएगी तो क्या कोई लिमिट होगी कि एक ट्रेन में इससे ज्यादा लोग नहीं चढ़ सकते हैं? इसकी सारी चीजें तो तय हो गई हैं, जिसमें 15 ट्रेनें हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट भी जा रही हैं ट्रेनें, दक्षिण भारत भी जा रही हैं, उत्तर भारत भी जा रही हैं और पश्चिम भारत भी जा रही हैं। तो ऐसे में डिब्रूगढ़ है, पटना है, झारखंड रांची है, ये सारी जगहें हैं, अहमदाबाद है और इधर जम्मू तवी है, चेन्नई है, तो ये सारी जगह 15 ट्रेनें जाएंगी जो दिल्ली से ही जाएंगी। और ऐसे में कल से ट्रेन जाना शुरू होंगी। आगे धीरे धीरे ये कहा गया कि इसका आंकड़ा देखने के बाद कि कैसा असर होता है, इसके बाद फिर रेल विभाग ये तय करेगा कि बाकी और जगहों के लिए ट्रेन कैसे चलाई जाए। फिलहाल ये तय है कि सबसे पहले स्टेशन पर स्क्रीनिंग होगी, जो भी लोग कंफर्म टिकट जिनके पास है वही लोग जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होगी, यानी टिकट काउंटर पर कोई बुकिंग नहीं होगी। लिहाजा हम यहाँ इसलिए भी खड़े हैं आकर, क्योंकि हम पूरे देश को ये बता सकें कि आपको यहाँ भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। जिस तरह मुंबई में हुआ वैसा ना करें, लोग ऑनलाइन बुकिंग करें, ऑनलाइन कंफर्म टिकट वालों को ही आने दिया जाएगा। इसके बाद भी कंफर्म टिकट के बावजूद स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग होगी यहाँ पर। किसी को भी अगर फ्लू के, बुखार के या खांसी के लक्षण होंगे तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। ट्रेन में एक सीट पर एक ही आदमी बैठेगा, पूरे टाइम मास्क लगा कर रहना पड़ेगा और सुरक्षा के जो भी कायदे और नियम अभी तक क्वारंटाइन को लेकर या लॉकडाउन के दौरान बताए गए हैं उसका पूरा फॉलो किया जाएगा प्रॉपर। यानी अपनी सुरक्षा और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री यहां से यात्रा करेंगे। फिलहाल ये तय है कि 12 मई से ट्रेनें चलना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे ट्रेन का, रेल का पहिया मूव करना शुरू हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ संजय, तमाम संवाददाताओं को रुक करेंगे, लेकिन इस बीच आपको ये दिखा देते हैं क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि कहां से लेकर कहां तक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ऑनलाइन सिर्फ बुकिंग की जा रही है और किसी भी अफवाहों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। 350 से ज्यादा श्रमिक एक्सप्रेस के पटरी पर उतरने के बाद अब राहत की दूसरी किश्त पर मुहर लग गई है। श्रमिक ही नहीं, अब ट्रेन के जरिए शर्तों के साथ कोई भी यात्रा कर सकता है। नई दिल्ली स्टेशन से देश के अलग अलग 15 शहरों में स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार शाम को ट्वीट कर जानकारी साझा की। रेल मंत्री के मुताबिक रेलवे ने 12 मई से ट्रेन को प्रारंभिक तौर पर शुरू करने की योजना बनाई है। शुरुआत में नई दिल्ली से देश के बड़े शहरों के लिए 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों में यात्रा के लिए 11 मई को शाम 4 बजे से टिकटों की बुकिंग शुरू की जा सकेगी। यानी आज शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग होगी, लेकिन टिकट सिर्फ IRCTC के तहत ऑनलाइन ही बुक कराए जा सकेंगे। रेल मंत्री के मुताबिक दिल्ली से 15 शहरों के बीच जोड़ी में ट्रेन चलेंगी। अब आपको ये भी बता दें कि वो कौन कौन से शहर हैं जहां 12 मई से ट्रेनें चलाई जाएंगी। फैसले के मुताबिक ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू के लिए चलाई जाएंगी।
12 मई को सभी स्पेशल ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से खुलेंगी और फिर वापस भी आएंगी। हालांकि रेल प्रशासन ने यात्रा के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिसके मुताबिक वापसी की प्रक्रिया शुरू होने के पहले सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे सिर्फ उन्हें ही यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। जो लॉकडाउन थोड़े थोड़े रिलैक्सेशन करने के लिए सरकार ने मन बनाया है, लेकिन मेरा ये कहना का है कि इससे पहले भी और जहाँ से जहाँ तक ट्रेन जाएगा वहाँ सारे सोशल डिस्टेंसिंग का जो फैक्टर्स है, जो कंडीशंस है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किसे लागू किया जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर भी रेलवे को और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना ही पड़ेगा। लॉकडाउन 3 के खत्म होने के 7 दिन पहले ये फैसला इशारा है कि सरकार ने अब बड़ी छूट देने का मन बना लिया है। 40 दिन से ज्यादा वक्त से दूसरे राज्यों में फंसे लोगों की घर वापसी अब मुमकिन हो सकेगी। हालांकि अलग अलग शहरों में पहुंचने के बाद उन्हें फिर मेडिकल जांच और स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। यात्री 14 दिन क्वारंटीन भी किए जाएंगे। पौलोमी साह और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करेंगे अहमदाबाद से। हमारे संवाददाता गोपी घांगर हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। गोपी, अहमदाबाद में किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कल से ट्रेनों की शुरुआत होनी है, अहमदाबाद तक भी ट्रेन जानी है, ऐसे में वहां पर कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, ज्यादा भीड़ न इकट्ठा हो जाए, अफवाह के चलते वहां पर ज्यादा लोग ना पहुंच जाए, इन सब बातों का कैसे ख्याल रखा जाएगा? बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर पूरे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे सर्कल बना दिए गए हैं, हर किसी को उसी सर्कल में खड़े रहना है। साथ ही डिसइंफेक्शन टनल भी बनाई गई है कि जब भी पैसेंजर यहां पे आएंगे ऑनलाइन टिकट लेकर आएंगे और वो अपनी टिकट के साथ 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, पूरी प्रक्रिया रहेगी डिसइंफेक्शन टनल से होते हुए जो सर्कल्स बनाए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, उसी का पालन करना होगा, उसी में आपको चलना होगा और उसी में चलते हुए प्लेटफॉर्म से सीधा वो ट्रेन में पहुंच जाएंगे। इस तरीके से कुछ इंतजाम किए गए। साथ ही थर्मल चेकिंग होगा यहाँ पे अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर, जब भी कोई पैसेंजर उतरेगा या ट्रेन के अंदर जाएगा तो उसका पूरी तरीके से थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि अहमदाबाद जो है वो हॉटस्पॉट बना हुआ है और अहमदाबाद में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड लोग, करीब 8,000 जितने पूरे गुजरात में इन्फेक्टेड लोग हैं, जबकि अकेले अहमदाबाद में 6,000 से ज़्यादा है। तो वैसे में ये सारी चीज़ें बारीकाई से जांची जाएंगी। साथ ही एक मेडिकल टीम भी रहेगी यहाँ पे, अगर किसी को टेम्परेचर है या किसी भी खांसी या जुकाम जैसी चीज़ें हैं तो तुरंत उनका स्कैनिंग करके उनको अलग किया जाएगा, उनको ट्रेन में ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। एक पूरी सिस्टम यहाँ पे डेवलप की गई है, सर्कल बनाए गए हैं प्लेटफॉर्म से लेकर यहाँ तक कि जो बाहर का इलाका है जहाँ से लोग रेलवे स्टेशन के अंदर हमारे साथ जुड़ी हुई है कोलकाता से, मनोगिया हावड़ा तक भी ट्रेन चलाई जा रही है दिल्ली से, ऐसे में वहां पर क्या इंतजाम है, किस तरीके से वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और तमाम तरीके की बारीकियों पर किस तरह से नजर रखी जा रही है? तरीके हैं जिससे बंगाल में खासतौर से हावड़ा स्टेशन पर नजर रखी जाएगी। पहला तो हावड़ा स्टेशन पूरी तरह से बंद है, चारों ओर जितने भी गेट्स हैं वो सारे बंद हैं, वहां पर आरपीएफ के कर्मी, रेलवे के अधिकारी कर्मचारी वो सब तैनात रहते हैं, ऐसे में सिर्फ उसी को एंट्री दी जाएगी। गेट के अंदर जो बंद इलाके हैं सारे, उनके थ्रू सिर्फ वही लोग जा सकेंगे जिनके पास एक वैलिड टिकट होगी। अभी तक इस इलाके में सिर्फ उन्हीं लोगों को परमिशन दी गई है जो ट्रेन से सफर कर रहे हैं। ट्रेन इस समय चल रही है हावड़ा स्टेशन पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रेलवे के कर्मचारियों के लिए। करीब 2 से 3 बोगी की ट्रेन सुबह 6 बजे के आसपास चलती है बर्दवान से हावड़ा और फिर हावड़ा से बर्दवान, लेकिन ये सिर्फ रेलवे के कर्मचारियों के लिए। ये पहला मौका होगा जब अब जनता के लिए होगी, लेकिन चैलेंजेस यहाँ नहीं है कि उनके लिए रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवस्था होगी, चैलेंजेस यहाँ भी है कि जब ये यात्री हावड़ा पे उतरेंगे तो वो हावड़ा से अपने जो निर्धारित स्थान है या घर या दफ्तर या जहां भी जाना चाहते हैं वहां कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि बसें नहीं चल रही हैं, टैक्सीज नहीं चल रही हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं। ऐसे में वो समस्या का समाधान करने के लिए खुद रेल के साथ साथ हावड़ा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और उसके साथ साथ बंगाल सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि जब ये यात्री यहाँ आए तो फिर से उनकी थर्मल स्कैनिंग करके, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग करके यहाँ पर उनको डिसइंफेक्टिंग टनल एक बनाया जा सके जिसके जरिए उन्हें यहाँ से आगे भेजा जा सके। सुरक्षा सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि वो हावड़ा स्टेशन पर आए, लेकिन ये भी कि यहाँ से आगे भी सुरक्षित ही जाए, और अगर कोई मरीज पाया जाता है तो उसे संग संग क्वारंटीन में भेजा जाए।
लौटेंगे आपके पास मनोज्ञा, हमारे संवाददाता मंजीत सहगल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मंजीत, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए नेहा, हम इस वक्त चंडीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। जो 15 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, उसमें से एक जम्मू तवी एक्सप्रेस है जो अंबाला से होकर गुजरेगी। ये लगभग 2 दर्जन जो शहर है पंजाब और हरियाणा के, उनमें से गुजरते हुए जाएगी और जम्मू पहुंचेगी। अगर इंतजाम की बात करें तो हर रेलवे स्टेशन पर जो यात्री हैं उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, एक एक मीटर का फासला उनके बीच में रखा गया है। जिन यात्रियों के पास कन्फर्म टिकट हैं, खासकर श्रमिक एक्सप्रेस की मैं बात कर रहा हूं, केवल उन्हीं को रेलवे स्टेशन के भीतर प्रवेश करने की इजाज़त है। रेलवे प्लेटफॉर्म से गुजरने से पहले उसकी थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ से लगभग 8 श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन तय की गई है। उनमें से पहली ट्रेन रविवार को गोंडा के लिए रवाना हुई थी, जिसमें से 1188 श्रमिक गए थे और आज गोरखपुर के लिए भी एक ट्रेन यहाँ से 8 बजे जाएगी। पंजाब से 26 ट्रेनें श्रमिकों को लेकर जाएंगी। हर रेलवे स्टेशन पर तकरीबन इसी तरह के इंतजाम है। श्रमिकों की या जो ट्रेन के यात्री हैं उनकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है और जो भी संदिग्ध है उसको रेलवे स्टेशन में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है, उसको सीधे क्वारंटाइन सेंटर में भेजा जाएगा। हर रेलवे स्टेशन पर इस तरह का इंतजाम है और रेलवे प्रशासन भी मुस्तैद है। हर रेलवे स्टेशन पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे के जो कई गेट हैं उनको बंद कर दिया गया है। लौटेंगे आपके पास सौरभ वक्तानिया, हमारे संवाददाता इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, मुंबई तक भी ट्रेन चलाई जा रही है, ऐसे में जो तस्वीर हमने पहले मुंबई से देखी थी जब अचानक वहां पर मजदूरों की भीड़ जुट गई थी, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया था, इस बार किस तरीके से वहां पर फूंक फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं रेलवे प्रशासन की ओर से ताकि वो तस्वीर दोबारा ना दोहराई जाए? जी देखिए, सबसे पहले तो जो ये पैसेंजर ट्रेन शुरू होने वाली है ये सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी, इसलिए यहाँ पे जो विंडो टिकट काउंटर्स रहते हैं वहां से तो आपको टिकट बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। आज 4 बजे से ये ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो रही है। इस वक्त हम मुंबई सेंट्रल के बाहर मौजूद है जहां पर ये पहली ट्रेन न्यू दिल्ली से आएगी और यहीं से ट्रेन वापस न्यू दिल्ली भी जाएगी। लेकिन इस ट्रेन जो रहेगी वो पूरी तरीके से एसी कोचेस रहेंगे, इसकी डायनामिक प्राइसिंग रहेगी, तो ये सही सी बात है कि माइग्रेंट्स के लिए तो नहीं है लेकिन जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनके लिए ये ट्रेन रहेगी। रेलवे ऑफिशियल्स की एक मीटिंग चल रही है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टर्स के साथ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी मुंबई पूरे रेड जोन में है, तो जो पैसेंजर्स टिकट बुक करेंगे वो अपने घर से इस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से आएंगे। हमने देखा कि कल जिस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट पे फ्लाइट जब लैंड हुई तो प्रॉपरली 3 मीटर्स का डिस्टेंस रखा गया था, तो यहां पर किस तरीके से वो डिस्टेंस किया जाएगा, तो प्रॉपरली पहले एक इंस्पेक्शन होने वाला है यहां पर मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। रेलवे के अधिकारी और जो लोकल ऑफिशियल्स है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के वो भी यहां पर आएंगे और पहले इंस्पेक्शन करने के बाद ये डिसीजन लिया करेगा कि किस तरीके से पैसेंजर्स को यहां तक लेके आना है, कि आपने वो प्राइवेट गाड़ी में आएगी या उनके लिए कुछ सुविधा उपलब्ध की करी जाएगी और उसके बाद उनको ट्रेन तक कैसे लेके जाना है प्रॉपर चेकिंग के बाद। तो ये एक इंस्पेक्शन होने वाला है, आज रेलवे के ऑफिशियल्स यहां पर आएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे तमाम संवाददाता में जानकारी देते किस तरह से एहतियातन सभी स्टेशन्स पर इंतजाम किए गए हैं, थर्मल स्क्रीनिंग की जाए, घेरे बनाए गए हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा सके और ऐसे कई इंतजाम किए गए हैं जिससे कि ये वायरस इस समय में ना फैले, इसके पूरी तरीके से इसे सुनिश्चित किया जा रहा है। फिलहाल कल से दिल्ली के जिन शहरों के लिए ट्रेन सेवा शुरू हो रही है उनमें जम्मू भी शामिल है। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट की ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के कारण देश भर में जो पाबंदियां लगाई गई थी अब सरकार ने धीरे धीरे उनमें रियायतें देना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में रेलवेज ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज है अब आंशिक तौर पर शुरू हो जाएंगी मंगलवार से और ये जो ट्रेनें हैं ये विशेष ट्रेनें चलेंगी नई दिल्ली स्टेशन से देश के अलग अलग शहरों में जिसमें जम्मू शहर भी शामिल है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर और आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरी तरह से सन्नाटा है। जब से लॉकडाउन लगा है और ट्रेन सर्विसेज जो है ट्रेन सेवाएं जो है बंद कर दी गई थी तब से जम्मू रेलवे स्टेशन पर जो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। यहां पर आप केवल जो है पुलिसकर्मी देख सकते हैं सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर और
अभी हमने प्रयास किया था स्टेशन के अंदर जाने का भी, लेकिन हमें बताया गया कि वहां पर सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और इसीलिए वो अभी मीडिया को अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे तस्वीरें, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जब से लॉकडाउन लगा है रेलवे स्टेशन के बाहर और जो भी तमाम जो जगह हैं जम्मू शहर में वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है, चाहे बाजार हो, रेलवे स्टेशन हो। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, आंशिक तौर पर जो है ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी मंगलवार से और उसकी बुकिंग जो है आज शाम 4 बजे से होंगी, लेकिन बुकिंग केवल IRCTC वेबसाइट पर होंगी। तो जिन लोगों को टिकट्स बुक करनी है उन्हें IRCTC वेबसाइट पर ही जाना पड़ेगा। टिकट काउंटर्स बंद ही रहेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, सामाजिक दूरी को मेंटेन करना है, तो इसीलिए सरकार जो है रियायत तो दे रही है लेकिन साथ साथ में ये भी सुनिश्चित कर रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। तो राहत की एक बड़ी किश्त तो अब आ गई है, लेकिन सबकी नजर इस बात पर है कि आगे और कितनी रियायतें मिलने वाली हैं, क्योंकि कोरोना वायरस संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे और मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की यह बातचीत आज दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी लॉकडाउन 3.0 के बाद बने हालात पर मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। 20 मार्च, 2 अप्रैल, 11 अप्रैल, 27 अप्रैल और अब आज यानी 11 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की 5वीं बैठक होने जा रही है। लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है, उससे पहले देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। पहला सत्र 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेगा, दूसरा सत्र शाम 6 बजे से शुरू होगा, फिर निष्कर्ष तक बैठक जारी रहेगी। 47 दिन लॉकडाउन के पूरे हो गए हैं, मरीजों की तादाद 60,000 से ज्यादा हो गई है, संक्रमण की रफ्तार अब भी जोरों पर है। ऐसे में मुख्यमंत्रियों के साथ ये मंथन बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इस बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्रियों की राय जानना चाहेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि संक्रमण के खतरे के बीच लॉकडाउन में कितनी ढील दी जाए, छूट किन हालात में मिले, कौन से इलाके रेड जोन रहे, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही समझा जा रहा है कि इस बैठक में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और देश में ठप पड़े काम धंधों को चालू करने का मुद्दा उठेगा। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन की वजह से तमाम मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री ने नियमों में छूट देने की मांग की है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार आज कोरोना के केसेस को डील करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो हम उस थोड़े बहुत केसेस बढ़ेंगे, अगर लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से आज दिल्ली सरकार तैयार है। हिमाचल एक सेफ स्टेट है जहाँ कोरोना वायरस का उतना इम्पैक्ट नहीं है, असर नहीं है। पूरे देश भर से या पूरे प्रदेश के बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है फिर टूरिज्म की दृष्टि से जो है हिमाचल प्रदेश में आएंगे और हम उनके लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो मदद कर सकते हैं उस दृष्टि से और इस इंडस्ट्री को उठाने के लिए जो मदद कर सकते हैं वो काम करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर कोरोना के हालात पर चर्चा की है। इस दौरान राज्यों ने अहम राय रखी है। दिल्ली में पॉली मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। एक बार फिर से आपको आंकड़ों के साथ रूबरू करा देते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना केस में इजाफा हुआ है, कल 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। कोरोना केस में सबसे ज्यादा इजाफा महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना केस की संख्या 22,000 के पार पहुंच गई है। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 184 कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने से हड़कंप मच गया है। मुंबई की आर्थर रोड जेल अब कोरोना हॉटस्पॉट बन चुका है। हाई प्रोफाइल जेल में वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। जेल में रविवार को कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले आने से हड़कंप मचा हुआ है। 2 दिन पहले 77 कैदी कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके अलावा 26 जेल कर्मचारी भी संक्रमण की चपेट में है। यानी आर्थर रोड जेल में अब कोरोना मरीजों की संख्या 184 तक पहुंच गई है, जिसमें 158 कैदी पॉजिटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र में पुलिस कर्मियों को भी कोरोना बड़ी तेजी से अपनी चपेट में लेता जा रहा है।
पिछले 24 घंटे में राज्य के 72 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और इसका कुल आंकड़ा 786 तक जा पहुंचा है। इनमें से 7 की मौत हो चुकी है। भारत के कुल मरीजों में से करीब 1/3 संक्रमित अकेले महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या अब 22,171 हो गई है, जिसमें अकेले मुंबई में 13,739 कोरोना मरीज हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1,278 नए मरीजों की पहचान हुई है, जिसमें 875 सिर्फ मुंबई से हैं। मौत का आंकड़ा भी बढ़कर 832 हो गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर महाराष्ट्र के बाद गुजरात में हालात ठीक नहीं दिख रहे। यहां मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 398 नए मरीज वायरस के संक्रमण के शिकार हुए हैं। अब गुजरात में कुल 8,195 लोग कोरोना से बीमार हो गए हैं। 278 नए मरीज अहमदाबाद से, जबकि वडोदरा से 25 और सूरत से 41 कोरोना मरीज सामने आए हैं। मौत का आंकड़ा बढ़कर 493 हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में अब 30,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं और मरीजों की तादाद तमाम एहतियात बरतने के बावजूद बढ़ रही है, लिहाजा सभी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। संक्रमण से बचने के उपाय को जीवन में उतारें, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। एसेंशियल सर्विसेज की आड़ में प्रवासी मजदूरों को दिल्ली से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और आजमगढ़ ले जाने वाले गिरोह को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये गिरोह पैसे लेकर 2 ट्रकों में 100 प्रवासी मजदूरों को चोरी छिपे ले जा रहा है। ट्रक में भेड़ बकरियों की तरह ठूंसे ये मजदूर दिल्ली से यूपी के लखनऊ और आजमगढ़ जा रहे थे। कल रात जब शकरपुर लक्ष्मी नगर पिकेट पर चेकिंग के लिए ट्रक को रोका गया तो पुलिस वाले ट्रक के भीतर का नजारा देखकर दंग रह गए। 2 ट्रकों में करीब 100 लोग भरे पड़े थे। इनमें मजदूरों के साथ उनके बच्चे और परिवार के बुजुर्ग भी थे। आरोप है कि 500 से 1500 रुपए लेकर इन मजदूरों को दिल्ली से लखनऊ और आजमगढ़ पहुंचाया जाने वाला था। ट्रक आजादपुर और कश्मीरी गेट से निकला था। ट्रक पर आवश्यक सेवा का बोर्ड लगा था, यानी पुलिस को चकमा देने की पूरी तैयारी थी। एसेंशियल सर्विस की आड़ में दिल्ली से प्रवासी मजदूरों को लखनऊ और आजमगढ़ जो है वो लेके जाया जा रहा था। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने पिकेट के जरिए तमाम जो इन प्रवासी मजदूरों को ट्रकों के जरिए, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली के आजादपुर मंडी और वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते थे, और इस ट्रकों के जरिए उनको दिल्ली से लखनऊ और आजमगढ़ जो है वो लेके जाया जा रहा था, जिसको फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने दोनों ट्रकों के ड्राइवर और हेल्पर को हिरासत में ले लिया है। पता किया जा रहा है कि ये प्रवासी मजदूर इनके संपर्क में कैसे आए। ये भी जानने की कोशिश हो रही है कि क्या मजदूरों को इस तरह घर भेजने का कोई रैकेट भी चल रहा है। सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। प्रवासी मजदूरों का महानगरों से अपने अपने शहर में लौटने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन से प्रवासी मजदूर अपने शहर में लौट रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ट्रेन की जगह अपने साधन या फिर पैदल ही चल पड़े। ये मजदूर तेलंगाना से सड़क के रास्ते पटना पहुंचे हैं। पटना से किसी को छपरा जाना है, किसी को गोपालगंज और किसी को सिवान, लेकिन वहां जाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं। बसों की अंतरराज्यीय आवाजाही पर ब्रेक के बावजूद किसी तरह तेलंगाना से पटना तो पहुंच गए, लेकिन अब समस्या है कि घर कैसे जाएं। कितने आदमी हैं आप लोग? 40 आदमी आए थे हम लोग। अच्छा। जिसमें 18 आदमी झारखंड के थे। अच्छा, ठीक। वो लोग वहीं से उतर के वो लोग चले गए। ठीक। पैदल वो लोग चले गए। अच्छा, हम लोग इधर है। आप लोग को कहाँ जाना है यहाँ से? हम लोग यहाँ से गोपालगंज जाना। इन मजदूरों का दावा है कि 1,62,000 रुपए में बस बुक कर तेलंगाना से 40 मजदूर पटना पहुंचे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी लंबी दूरी तय करने के बावजूद रास्ते में किसी की कोई चेकिंग नहीं हुई। नहीं, रास्ते में पुलिस प्रशासन के द्वारा? पुलिस प्रशासन नहीं, कागज है ना, कागज है। अच्छा, उसका कहीं चेकिंग नहीं हुआ पुलिस प्रशासन का? चेकिंग हुआ, बस कागज देख कर छोड़ दिया। मजदूरों का इस तरह जोखिम लेकर घर लौटने का सिलसिला तब है जब सरकार की ओर से श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों का बंदोबस्त किया गया है। ऐसी ही एक ट्रेन लुधियाना से 1200 मजदूरों को लेकर कल देर शाम किशनगंज पहुंची। किशनगंज पहुंचने पर कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सभी प्रवासी मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई और उन्हें उनके प्रखंड के क्वारंटीन सेंटर में बसों के माध्यम से भेज दिया गया।
जो नॉन सिम्टोमेटिक होंगे वो लोग जमीन पे सर्कल्स हमने बना दिए हैं एक एक मीटर की दूरी पे, ताकि इसी पे वो चलते हुए अपने अपने रेस्पेक्टिव प्रखंड के लिए, बसेज उनकी सामने में खड़ी हैं अलग अलग वाहनों की, अलग अलग प्रखंडों की एक साथ है, वो लोग वहाँ पे जाएंगे, वहीं पे रहेंगे और ये एक साथ से बसेज यहाँ से उनको डिस्पैच किया जाएगा। उधर हरियाणा के अम्बाला से 7 बसों में भरकर 272 मजदूरों को कल यूपी के लिए रवाना किया गया। ये श्रमिक पश्चिमी यूपी के बागपत, सहारनपुर व शामली के हैं। हम लोग को सर जी बहुत सुविधा मिला सर जी, 2 दिन से हम लोग खाना खाए। तो उम्मीद थी इससे पहले कि घर, सर जी उम्मीद नहीं था सर जी, फिर भी हम लोग को सर जी घर जाना था, हम लोग को खाने के लिए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे। पहले तो नहीं थी उम्मीद सर, लेकिन आज उम्मीद मिल गया, हम लोग जा रहे हैं, अब तो खुश हैं सर। पैसा वैसा खत्म हो गया? पैसा तो नहीं था सर, तभी तो हम लोग को निकलना पड़ा। प्रवासी मजदूरों का अपने अपने घर जाने और पहुँचने का सिलसिला जारी है। गुजरात के पालनपुर से 1200 मजदूर यूपी के जालौन पहुँचे। राजस्थान के अजमेर से करीब 1000 मजदूरों को लेकर एक ट्रेन कल बिहार रवाना हुई। एक श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन बेंगलुरु से पश्चिम बंगाल के बांकुरा के लिए रवाना हुई, तो रोहतक से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक ट्रेन बिहार रवाना हुई। चंडीगढ़ से भी एक ट्रेन मजदूरों को लेकर यूपी के गोंडा रवाना हुई। आज तक ब्यूरो। बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है। रविवार को यूपी और राजस्थान की पुलिस एक दूसरे से भिड़ गई। दोनों राज्यों के बॉर्डर पर जमकर बवाल हुआ। दरअसल राजस्थान पुलिस मजदूरों को अपनी सीमा से उत्तर प्रदेश में दाखिल कराना चाह रही थी, वहीं यूपी पुलिस दूसरे राज्यों के मजदूरों को अपने राज्य के अंदर घुसने देने के लिए तैयार नहीं थी। मथुरा के मुगर्रा में राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बरपा हंगामा। कोरोना काल में आपस में भिड़ गए कोरोना वॉरियर। राजस्थान और यूपी पुलिस के बीच हुई झड़प। यूपी पुलिस के 2 दारोगा और कुछ पुलिसकर्मी हुए घायल। यूपी और राजस्थान के बॉर्डर पर जंग छिड़ी है। दोनों सूबे की पुलिस एक दूसरे से ऐसे भिड़ी कि क्या कहने, धक्का मुक्की, बहस, हो हल्ला। यूपी पुलिस ने मजदूरों के जत्थे को बॉर्डर पर रोक दिया। बस यही बात राजस्थान पुलिस को नागवार गुजरी और कुछ पुलिसकर्मी जबरन यूपी पुलिस की बैरिकेडिंग हटाने लगे। यूपी पुलिस ने इसे रोका तो विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि यूपी पुलिस के 2 दारोगा और कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। कुछ की वर्दी फटी तो कुछ के हाथों से बाहर लहू। यूपी पुलिस की दलील थी कि राजस्थान से यूपी की सीमा में घुसने वाले मजदूर यूपी के नहीं हैं। ऐसे में वो जिस राज्य के हैं वो राज्य उन्हें ले जाने का बंदोबस्त करे या फिर राजस्थान सरकार उन्हें वाहनों के जरिए उनके राज्य भेजे। जबकि राजस्थान पुलिस का कहना था कि मजदूर राजस्थान के नहीं हैं और वो खुद जा रहे हैं तो उन्हें रोका नहीं जा सकता। जाहिर है सीमा पर डटी राजस्थान पुलिस का रवैया बला टालने जैसा था। आखिरकार मथुरा के डीएम और भरतपुर के एसएसपी के पहुंचने पर मामला सुलझा। कुछ इशू आया था, कुछ बाहर के श्रमिक थे बिहार के, छत्तीसगढ़ के, जिनको के आदेश के मुताबिक नहीं जाने दिया। हमने भी अपने उच्च अधिकारियों से बात की थी और अब ये तय किया है कि ये लोग जो है वो ट्रेन से बसों से जाएंगे। राजस्थान से 20,000 प्रवासी मजदूरों की यूपी में वापसी होनी थी। इनमें से 15,000 मजदूर वापस आ भी चुके हैं। कोई विवाद नहीं है, भरतपुर में तय हो गया है कि वहाँ से कोई भी लेबर या श्रमिक अब तब तक नहीं भेजेंगे जब तक चीजें सेटल नहीं होंगी। दरअसल कोरोना काल में प्रवासी कामगार अब राज्यों को बोझ नजर आने लगे हैं। हर राज्य चाहता है कि प्रवासी मजदूर जल्द से जल्द वापस लौट जाएं। वो पैदल, गाड़ी घोड़ा कैसे भी जाएं, पर जाएं। लेकिन ये भी बड़ा सच है कि पुख्ता जांच के अभाव में इनमें से तमाम कोरोना कैरियर बन रहे हैं। हालिया खबरों से ये साबित भी हो चुका है। लिहाजा प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का बेहतर प्रबंध निहायत जरूरी है। राज्य सरकारों के साथ सीमा पर डटी पुलिस को इसे समझना होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा, आज तक। कल देर रात पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं मुलायम सिंह यादव की भी तबीयत खराब है, लखनऊ के अस्पताल में वो भर्ती कराए गए हैं। दोनों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनमोहन सिंह दिल्ली के एम्स में जबकि मुलायम लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स में मनमोहन सिंह को कार्डियोथोरासिक वार्ड में रखा गया है। डॉक्टर उनकी हालत पर निगरानी रखे हुए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की खबर के बाद पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके स्वस्थ होने की कामना की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अस्वस्थ होने की अभी जानकारी मिली, ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अशोक गहलोत ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के एम्स में भर्ती होने से परेशान हूं, मेरी कामना है कि वो शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पूर्व पीएम मनमोहन जल्दी ठीक होकर अपने परिवार के पास लौटेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पेट में दर्द की शिकायत के बाद मेदांता में भर्ती कराए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पत्नी डिंपल के साथ अस्पताल पहुंचे, मुलायम सिंह की हालत स्थिर बनी हुई है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।